हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ क्लोथ्स डायपर्स की। जी हाँ, न्यूली हमारे जैसी मॉम्स की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ये डायपर्स बेबी के लिए। तो मैंने ये डायपर्स मंगवाया है लड्डू के लिए। दो अलग अलग तरह के मैं जो दिखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग वर्क करते हैं। मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो किसके क्या मेरिट है, डिमेरिट्स हैं, वो आज मैं बताने वाली हूँ और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट बच्चे के लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं है। तो ये मैं दिखाने वाली हूँ। देखो, ये मैंने ऑर्डर किया था मीशो से और इसमें ये बहुत सारे ऐसे चिट बटन्स हैं, ये देखिए। और इसका जो अंदर का फैब्रिक है, ये बहुत, मतलब उस टाइम से जो मैंने फर्स्ट ये मंगवाई थी तो ये मुझे अच्छा लगा फैब्रिक। और इसमें ये देखिए, यहाँ पे ना ये बाहर की साइड, यहाँ पे वेस्ट में, बैक साइड में, वेस्ट में गैप है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं ये। ये इसके साथ आया था तो ये मैंने इसमें इंसर्ट किया ऐसे। तो ये देखिए, ये एक है और ये इसका फ्रंट है, ये बैक साइड है, मतलब वेस्ट साइड। और इसमें ना यहाँ पे ये गैप है और इसमें से हम ये इस इंसर्ट कर देते हैं। ये सेट हो गया इसके अंदर और हम इसमें बेबी को अभी पहना देते हैं ऐसे करके। और आप बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, लूज़ टाइट वगैरह जैसे आपको करना हो वैसे ये सेट हो जाएगा। बेबी को मैंने ये पहनाया तो एक दो बार के बाद ये लीक कर गया यहाँ से, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया और यहीं से लीकेज हो गई। ये बेबी के वेस्ट से बैक साइड में पूरा वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। और तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा मैंने ये एक और मंगवाया, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप ये देख सकते हैं। इनका साइज़ भी अलग है और इसमें एक एडवांटेजेस ये है कि आप इसका साइज़ बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं, ये इस तरह से भी। ये इसमें नहीं है, ये सारे एक से हैं, लेकिन इसमें ये आप इस तरह से भी ये कर सकते हैं, बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट करके बच्चे को पहना सकते हैं। और फिर यहाँ से ये ऐसे कर देंगे। इसका एक एडवांटेजेस और है, इसमें जो हम अंदर इंसर्ट करते हैं वो यहाँ से आउटसाइड से नहीं होता है, इसमें जो इंसर्ट होता है वो यहाँ से ही है। जी हाँ, इतना गैप दिया हुआ है इन्होंने और ये यहाँ से इंसर्ट होगा। और ये है इसका इंसर्ट। इसमें एक साइड तो ये टॉवल वाला फैब्रिक है और दूसरी तरफ ये थोड़ा चिकना सा फैब्रिक है, देख सकते हैं। और ये है माइलो का, वो लोकल है, ये है माइलो का। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। और इसको आप यहाँ से ऐसे इंसर्ट करेंगे, इसमें यहाँ पे भी इन्होंने लॉक दिए हुए हैं जो यहाँ पे इन साइड है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लॉक लगा देते हैं ताकि ये सेट हो जाए, इधर उधर मूव ना करें। और ये यहाँ से ऐसे कवर हो जाएगा और उसके बाद हम इसको बेबी को पहना सकते हैं। ये मैं अपनी बेबी को पहना के ट्राई कर चुकी हूँ और ये लीक कर गया, इसलिए यानी कि ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। मैं एडवाइस करूँगी कि जिनमें बाहर से इंसर्ट होता है प्लीज़ उनको ऑर्डर ना करें। जो इस तरह से इनर साइड से हैं और थोड़ा सा ये वाला फैब्रिक भी टॉवल वाला अच्छा है ये क्वालिटी, और इस तरह से आप इसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं, वेस्ट साइड भी और ऐसे भी आप इसका साइज़ सेट कर सकते हैं दोनों साइड से। और ये बेटर है, ये मैंने आज ही मंगवाया है, ये आज ही आया है तो अभी ये यूज़ नहीं किया गया है। अब मैं इसे अपने बेबी को यूज़ करवाऊँगी तो उसके बाद मैं अगला वीडियो से बनाऊँगी कि क्या इसमें भी लीकेज होती है। तो अगर आप भी ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसे मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़
नहीं ऑर्डर कीजिएगा, दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी, ये लीक कर जाता है, ये कामयाब नहीं है, बट आई थिंक ये काम करेगा, क्वालिटी भी अच्छी है और जिस जो इस हिसाब से इंसर्ट इसमें अंदर से होता है तो ये काम करेगा। मैं इसको ट्राई करवाऊँगी आज रात को बेबी को, और कल मैं फिर बताऊँगी आपको कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।